नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के कई सारे गाने डिलीट हो रहे हैं, जिसमें से वो बड़े गाने हैं जिसमें कि 50 मिलियन 100 मिलियन के क्लब में शामिल होने वाले गाने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गाना को डिलीट किया जा रहा है। और जो गाना डिलीट हो रहा है वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के द्वारा कॉपीराइट क्लेम देकर किया जा रहा है, जिसको लेकर खेसारी लाल यादव ने अपना दुख जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम पर आकर लगातार साझा कर रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव को इसमें उतना ज्यादा घाटा नहीं है जितना अन्य लोगों को है, जितना म्यूजिक कंपनियों को वो लगातार गाना देते हैं। उन कंपनियों की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए मेरी बिल्ली आ गई है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने कंपनियों को वो गाना देते हैं वो कंपनी अब जो है वो आउटपुट नहीं कमा पाएगी, क्योंकि खेसारी लाल यादव के गाने अपने आप में एक बहुत बड़े साबित होते थे, बहुत बड़े हिट गाने होते थे, लेकिन अब जो है वो कंपनियों को गाने नहीं देंगे, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है। और उस कंपनियों के साथ जुड़े टीम, जुड़े म्यूजिशियन, जुड़े लिरिसिस्ट की बात कर लें, आर्टिस्ट की बात कर लें, साइड आर्टिस्ट की बात कर लें, तमाम लोगों को एक रोजगार मिलता था, वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन इन सब में खेसारी लाल यादव के दो करीबियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और वो नुकसान उनके मैनेजर विवेक सिंह का है। विवेक सिंह की कंपनी ब्लू बीट भोजपुरी के खेसारी लाल यादव के सारे गाने डिलीट हो गए हैं, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर 3 स्ट्राइक कैलकुलेट हुआ तो वो भी चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो खेसारी लाल यादव के दबंग राइटर कहे जाने वाले अखिलेश कश्यप, की कंपनी अन्नपूर्णा फिल्म है, और अन्नपूर्णा फिल्म पर जो गाने खेसारी लाल यादव के रिलीज हुए थे वो भी गाने जो हैं वो कहीं ना कहीं डिलीट कर दिए गए। तो इन दोनों लोगों को जो खेसारी लाल यादव के काफी करीबी हैं, इनको काफी बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी करीबी को फायदा हो रहा है तो वो सोनू पांडे हैं। सोनू पांडे को फायदा नहीं हो रहा है, ऑलरेडी वो फायदे में है, क्योंकि वो जब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से साइन हो रहा था तो उन्होंने अपनी कंपनी को भी पार्टनरशिप में रखा, जिसका नाम 26 और बजाना रिकॉर्ड्स है। इसके साथ खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड, अपने कंपनी से वो गाना गाते रहेंगे, लेकिन सोनू पांडे ये दोनों जो है कंपनी से एसोसिएट कर दिए, तो इस कंपनी पर भी अब गाने रिलीज होंगे, तो इसमें भी और भी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और इसको लेकर सोनू पांडे ने एक ट्वीट भी किया था, और उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा था कि कृष्णा बेदर्दी के साथ कि कहां दिक्कत आवता, मतलब कि इतनी बड़ी दिक्कत है लेकिन इनको दिक्कत नहीं लग रहा है। इसके बाद तमाम लोग बातें कर रहे थे, मुझे लगा कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो सोनू पांडे के इस लाइन से आपकी क्या प्रतिक्रिया आती है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।